सब्सक्राइब कीजिए काबूम टेक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो बताने वाले हम लोग किसी हाई वर्जन की ऑटोकैड फाइल को अपने लो वर्जन के सॉफ्टवेयर में ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं तो उसके अंदर इस तरह का मैसेज आता है, उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के मैसेज को हम लोग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। अगर हम लोग को ये प्रॉब्लम का सलूशन करना है तो इसके अंदर सबसे पहले इधर पे मैसेज ही दे देता है कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है कि आपको डाउनलोड करना है DWG ट्रू कन्वर्टर टूल, वो भी हम लोग को मिल जाए कहाँ से, इसका लिंक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाता है। इसको क्लिक करने पे हम लोग को उसके लिंक पे लेके जाएगा कि वो हम लोग को कहाँ से मिलेगा। ओके, जैसे हम लोग उसको क्लिक करेंगे आप देख सकते हो इस तरह का ये ओपन हो जाएगा। इस तरह से इधर पे अलग अलग 3-4-5 टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं यहाँ पर से हम लोग डाउनलोड करें, मगर ये मोबाइल के लिए है, ये भी मोबाइल के लिए है। जो डेस्कटॉप पे यूज़ होते हैं ये 3 सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम लोग मिलता है, ऑटोकैड वीवर, ऑटोडेस्क वीवर, एक मिलता है हम लोग को ऑटोडेस्क वीवर, एक मिलता है DWG ट्रू व्यू और एक मिलता है डिज़ाइन रिव्यू। ठीक है, तो ये 3 टाइप के सॉफ्टवेयर से ये हम लोग को मिलते हैं फ्री, डायरेक्टली हम लोग फ्री डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके गेट डाउनलोड डाउनलोड नाउ इधर पे क्लिक करके हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं पहले से भी डाउनलोड कर चुका हूँ, इसको मैंने इंस्टॉल भी कर चुका हूँ, तो मैं इधर बता देता हूँ इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो इसको हम लोग यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। ये जो फाइल हम लोग को मिलती है काफ़ी लेटेस्ट वर्जन का एक वीवर होता है, मैं उसके अंदर बताऊँगा कि कैसे होता है। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ इसको डाउनलोड कैसे करना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इधर बस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम इधर पे आपको देखना है कि आपको कौन से बीट का चाहिए आपका। अगर विंडोज़ 32 बीट का है तो आप विंडोज़ 32 बीट का ले सकते हो, आपका विंडोज़ 64 बीट का है तो आप 64 बीट का ले सकते हो। ठीक है, इसके अंदर सिस्टम कौन सा चाहिए इधर पे रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, और यहाँ पर हम लोग को 3 टाइप के लैंग्वेज में आता है, हम लोग को इंग्लिश में, फ्रेंच में और जापानीज में। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इंग्लिश ही लूँगा और यहाँ पर क्लिक करके मैं करता हूँ डाउनलोड। जब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो थोड़ा टाइम में वेट करना है, फिर इसका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट के लिए बोल रहा है, आपको फाइल को सेव करना है कि रन करना है। मैं यहाँ से कर लेता हूँ उसको सेव, तो मैं यहाँ से सेव करूँगा तो ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है। देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, लगभग तो ये जल्दी से डाउनलोड भी हो जाएगा, तो इसको मैं चाहूँ तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपको और भी चीज़ें बता सकूँ। अभी ये जो डाउनलोड हो रहा है लगभग 19 यानी कि जो 19 वर्जन का डाउनलोड हो रहा है, तो इसको डाउनलोड होने देते हैं पहले। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। और ओके, तो हम लोग का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, जो हमने ट्रू व्यू 2019 का डाउनलोड किया था वो मैंने कॉपी करके यहाँ पर लेके आ गया और डी ड्राइव के न्यू फोल्डर के अंदर, और मैं इसको यहाँ से करूँगा एक्सट्रैक्ट। इसको हम लोग करते हैं रन, ओपन करते हैं। ठीक है, फिर ओपन करके इसको करते हैं इंस्टॉल। ओके, तो अभी यहाँ पर मेरा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। और अगर किसी का अगर एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है एक्सट्रैक्ट होने में, उसको हम लोग को सॉल्व कैसे करना है वो मैं इस वीडियो के आई बटन पे उसका सलूशन दे दूंगा। इधर पे वीडियो एक पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था कैसे हम लोग इस तरह के जो एक्सट्रैक्ट करने पर प्रॉब्लम आती है, फ्रीज हो जाता है हम लोग का एक्सट्रैक्ट, तो कितने बहुत सारे लोगों का फ्रीज हो जाता है, उसका सलूशन क्या है वो उसका वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ, जो पिछले वीडियो मैंने बताया था। तो उसका भी अगर आपने नहीं देखा है तो वो यहाँ पर ऊपर की तरफ आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। ये मेरा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, जैसे एक्सट्रैक्ट होता है फिर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करके दिखाता हूँ हम लोग कैसे हम लोग हाई वर्जन की फाइल को कैसे हम लोग लो वर्जन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ओपन हो चुका है, इसको करते हैं हम लोग यस। फिर ये हम लोग का इंस्टॉलेशन चालू होगा, करते हैं इंस्टॉल। ओके, तो ये हम लोग का इंस्टॉल हो चुका है सॉफ्टवेयर, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पर फिनिश। फिर हम लोग करते हैं ये, फिर हम लोग का ये सिस्टम रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, हम लोग रिस्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं अभी इस वक्त, तो वैसे अभी तो नहीं करना है तो अभी नो करते हैं। फिर हम लोग उस सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेते हैं अपना ट्रू व्यू। मैंने ट्रू व्यू पहले 18 का डाला था, अभी 19 का अभी लेटेस्ट वर्जन, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ओके, ये हम लोग का सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। यहाँ से हम लोग की फाइल को भी फाइल ओपन कर सकते हैं,
यानी कि एक ये प्रीव्यू की तरह है, यानी कि हम लोग के पास अगर किसी के पास ऑटोकैड फाइल नहीं है, किसी के पास ऑटोकैड सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए, ये फ्री सॉफ्टवेयर, वो कहीं पे भी अपने विंडोज़ में डाल के, अगर आप किसी क्लाइंट के पास ऑटोकैड सॉफ्टवेयर नहीं, उन लोग को देखना है फाइल को, तो फिर वो यहाँ से चेक करके देख सकता है। जैसे सपोज हम लोग कोई कोई 3D यूजर्स जो होते हैं, वो लोग ऑटोकैड पे काम नहीं करते हैं, सिर्फ 3D का काम करते हैं, तो उन लोग के पास तो ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर नया फिर बाय करने में तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर लाइसेंस का, उसका भी अलग से लाइसेंस करना पड़ेगा। तो इसलिए जाके ये वीवर बनाया है काफ़ी फ्री सबके लिए, कि आप यहाँ से ऑटोकैड का जो फाइल मिलता है, कितना भी कोई भी वर्जन हो, लेटेस्ट वर्जन का वीवर मिलता है यहाँ पर, आप लेटेस्ट वर्जन की फाइल्स को भी हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वो उस फाइल में आखिर में है क्या क्या चीज़ें, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फाइल को ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए ये मेरा पूरी तरह से ओपन हो चुका है। यहाँ से हम लोग मेज़र कर सकते हैं, मेज़र चेक कर सकते हैं, यहाँ से इसके साइजेस देख सकते हैं, इसका प्लान का किधर किधर क्या क्या चीज़ें हैं और सब सारी चीज़ें, यहाँ से हम लोग स्केल चेक कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो यहाँ से आसानी से हम लोग स्केल भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसका साइज़ यहाँ पर इसकी तरफ दिखा रहा है, ठीक है, कितना डिस्टेंस पर कितना साइज़, कितना डिस्टेंस का साइज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो और आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि अभी इसके अंदर मैंने तो बताया था कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसके अंदर ये वीवर के साथ साथ में ये कन्वर्ट भी करता है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ डी करके, यहाँ पर है DWG कन्वर्ट, इस पर बस हम लोग को क्लिक करना है। जो भी फाइल को हम लोग को क्या बोलते हैं, कोई भी फाइल हो, कितनी भी फाइल हो, जिसको हम लोग को लो वर्जन में सेव करना है, वो हम लोग यहाँ से सेव कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग कन्वर्जन इधर सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे एक नया बनाना है, नया न्यू फाइल, तो मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को और भी नया पुराना चाहिए, तो देखो पुराने में भी और भी पुराने में फॉर्मेट में भी हम लोग यहाँ से क्लिक करके एक नया एक टाइप बना सकते हैं। तो फिलहाल तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत पुराने वाला वर्जन का ही यहाँ पर काफ़ी दे दिया गया है। तो ज़्यादा ज़्यादा मेरा जो मैं जिसके अंदर ये वाला फाइल ओपन कर सकता हूँ, जैसे कि ये वाला फाइल जो मेरे को मिला है, ये जो फाइल है ये 2017 का है, मुझे कन्वर्ट करके 2010 में ओपन करना है, 2010 की ऑटोकैड के अंदर। तो उसको ओपन करने के लिए मेरे को इसको कन्वर्ट टू 2010, फिर ओके इसको क्लोज करते हैं। फिर यहाँ पर मेरे को वो फाइल को ओपन करना होगा, इधर पे प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जो वो फाइल थी, वो फाइल का पाथ, वो फाइल को हम लोग को यहाँ पर सेलेक्ट करके उसको ओपन कर लेना है। वो फाइल यहाँ पर इधर पे आ जाएगी लिस्ट के अंदर, ये देखिए यहाँ पर ये लिस्ट में आ गई है। तो बस कुछ नहीं करना है, लिस्ट में यहाँ पर आ गया, तो बस हम लोग क्लिक करना है कन्वर्ट। तो वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करके उसी में ही रिप्लेस कर देगा। देखिए उसको कन्वर्ट कर दिया, उसी को उसने रिप्लेस कर दिया, उसी फाइल को उसने वहीं पर रिप्लेस कर दिया। अगर वहाँ पर हम लोग जाके देखेंगे उस पाथ पे, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही फोल्डर है, एक ही फाइल है जो कन्वर्ट होके यहाँ पर आई है, ये देखिए। ठीक है, अभी भी देखो रिसेंटली टाइम पे, आज के डेट पे कन्वर्ट होके अभी मिल गया है, ठीक है। ओके, जैसे कि मैं ये 2010 के अंदर ये फाइल को ओपन करता हूँ, तो ये यहाँ का यहाँ डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा ये फाइल, तो देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, यानी कोई भी कन्वर्जन का पूछा नहीं, ऐसे मैसेज भी नहीं आया, डायरेक्टली ये ओपन हो गया ये वाला फाइल। ओके, आपको समझ में आ गया कि हम लोग इस तरह से हायर वर्जन की फाइल को हम लोग लोअर वर्जन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि हम लोग हायर वर्जन की ऑटोकैड की फाइल को हम लोग लोअर वर्जन की ऑटोकैड की फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं काफी इजी तरीके से। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग, तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।